क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो, कैसे से तैसे भाई लोग, कैसे हो सब लोग। तो भैया आज होने जा रहा है लेवनडॉस्की वर्सेस बायन, तो ये होगी फुटबॉल आज की। और यूसीएल का जो मैच है आज का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेवनडॉस्की भैया अपने पुराने घर बायन जा रहे हैं और वहाँ जाके अपनी नई टीम के साथ अपनी पुरानी टीम को कैसे बेलते हैं। और विदाउट प्रीमियर लीग भाई हम लोग कितनी बोरियत महसूस कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होगे तुम लोग कि मैं गेमिंग कर रहा हूँ, वो भी फीफा। बार्सा फैंस को ना बड़ा इंतज़ार था इस मैच का कि यार वो लोग कब, वो ऐसा दिन आएगा जब वो अपनी टीम को बिल्ड करेंगे और अलियांज अरीना में जाके वो खेलेंगे, यानी कि बायन के अगेंस्ट खेलेंगे विथ न्यू वेपन लेवनडॉस्की के साथ। वो बायन के अगेंस्ट खेलने वाले हैं इस मैच का ना, मतलब बार्सा फैंस को स्पेशली बहुत इंतज़ार था देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने लेना है रिवेंज, रिवेंज। तो ये सारा सीन है भाई, बारसा आज खेलेगी बायन के अगेंस्ट। और यहाँ थादियो माने ने थॉमस मुलर को कह दिया है कि भैया डोंट पास द लेवनडॉस्की। तो यार ये सीन होने वाला है आज के मैच का, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बारसा का जो डिफेंस है वो रोक पाएगा इस नई बायर्न म्यूनिख को, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त प्लेयर साइन किए इस सीज़न, और सर्जी गनाब्री और सानियो माने, थॉमस मुलर, ये तो सब चल ही रहा है, जोश कुंडे, अराहो, ये रोक सकते हैं बार्सा को? क्या ये बार्सा को डिफेंड कर सकते हैं? क्या इतनी एबिलिटी है कि फ्रैंक कैसी, फ्रैंक डी जोंग, सर्जियो बुस्केट्स इसकी मिडफील्ड में रोक के रखें इस बायन के अटैक को? क्या लेवनडॉस्की भैया इस गेम को एक हिस्टोरिकल गेम बना सकते हैं बार्सा के लिए? भाई ये मैच है ना बड़ा हाइप होने वाली है इस मैच की, ये लगी इंपैक्ट है, क्योंकि जब से ये ड्रॉ अनाउंस हुए ना तो भैया एक आग लगी हुई है, स्पेशली एमएचएनसी को, उसने बड़ी वीडियोस बनाई है इसको लेके। तो ये देखना है कि जवाब देना है अब बार्सिलोना फैंस वाले ना इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये मैच हो और हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बार्सिलोना की फॉर्म अगर देखा जाए तो अच्छी चल रही है, लेवनडॉस्की भैया गोल कर रहे हैं, लेवनडॉस्की भैया परफॉर्म कर रहे हैं पिच पे, गोल भी कर लिए हैं। अब अपनी टीम के अगेंस्ट यानी कि पुरानी टीम के अगेंस्ट वो किस तरीके से खेलेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये देखने वाला सवाल है, ये है मेरा पॉइंट। तो यार इस मैच को प्रिडिक्ट अगर मैं करूँ तो इस मैच को मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इस मैच को मैं 2-2 ड्रॉ भी कह सकता हूँ, या बार्सा 3 और बायर्न 2 भी कह सकता हूँ। तो इस मैच को मेरे को 2 पॉइंट है, या तो मैच ड्रॉ होगा या तो मैच विन होगा। तो बायर्न इस टीम को किस तरीके से, मतलब इस मैच को किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से इन्वायरमेंट होगा, अलग ही इम्पैक्ट है भैया वहाँ पे। लेवनडॉस्की भैया अपनी बार्सा के साथ पहुँच चुके हैं और चावी भैया जो है न्यू मैनेजर है बार्सिलोना के, वो इस गेम प्लान में क्या क्या चेंज करेंगे, क्या लाइनअप होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइनअप, स्टार्टिंग लाइनअप स्टार्ट होगी, क्योंकि बड़ा मैच है, यहाँ सरप्राइज़ करना है एक दूसरे को, यानी कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को सरप्राइज़ करना है, वो भी गोल्स और रिजल्ट के साथ, गेम के साथ। इस गेम को ना मैं अपने अंदाज से अगर कहूँ तो इसको प्रीव्यू जो है ना वो ये है, इस गेम का रिजल्ट जो है, जो असल टॉपिक है ना फुटबॉल की, वो है मैच के बाद। ये तो मेरी अपनी शुरू की एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि भैया क्या सोच रहा हूँ मैं सीम के अगर। देखते हैं कि जोश कोटे अराहो इस डिफेंस को रोक पाते या नहीं रोक पाते, लेकिन इस मैच को यार बड़ा एडवांटेज है और इस मैच की हाइप ही अलग है। तो ये देखना होगा कि क्या बायर्न म्यूनिख बारसा के साथ पिछली वाली ह्यूमिलेशन दोबारा से रिपीट करेगी या नहीं, क्या बार्सिलोना बायन के साथ ह्यूमिलेट करता है, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो भैया इस गेम की जो प्रडिक्शन है ना, मेरी अपनी जो है ज़ाती प्रडिक्शन जो है वो सीरियसली ये है कि बार्सिलोना 3 और बायन 2, ये एक अलग सा रिजल्ट मैंने सोच के रखा हुआ है कि भैया ये मुझे लगता है कि ये स्कोर हो सकता है, इसका फुल टाइम रिजल्ट ये हो सकता है। तो बाकी तुम लोगों का जो भी हो ना मुझे कमेंट्स वगैरह में बताना,
और इस मैच की ना सर जो बात है ना वो हम कल करेंगे, यानी कि मैच जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो भैया ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और क्या पॉसिबिलिटी लाइनअप होगी इसके बारे में मैं अभी अभी से प्रडिक्शन ही कर सकता, क्योंकि चाबी भैया से मेरी बात नहीं हुई है। तो यार ऐसा नहीं है, लेकिन अभी देखो स्टार्टिंग लाइनअप तो पता है मैच से 1 घंटे पहले आती है, तो क्या जब होगी तब उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना लूँगा, टाइम नहीं होगा तब। तो देखते हैं क्या होगा। और चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, पेज को भी लाइक करो, ताकि तुम्हारे भाई के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो 250 तक हो जाए। ठीक है, ये करवा दो बस तुम लोग, फिर मिलते हो।